अपने सच्चे पड़ोसी देश का साथ निभाया बांग्लादेश ने। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने बांग्लादेश ने थामा भारत का हाथ। बांग्लादेश ने कहा, भारत हमारा परम मित्र। वहीं एलएसी सीमा पर रातों रात पहुंचे अमेरिकी सैनिक, टेंशन में आ गया चीन। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में चल रहे युद्ध के संकट के बाद जहां चीन जिस तरह धीरे धीरे साउथ चाइना सी में आक्रामक हो रहा है, उसको देखते हुए चीन को लगा कि अपनी ताइवान के गुस्से की आग वे भारत के आसपास कुछ तनाव भड़का कर स्थिति पैदा करके उस पर निकाल देगा, ताकि भारत कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे चीन हिंद महासागर के नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि भारत से तो चीन को झटका मिला ही है, बल्कि भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भी चीन को 1000 वोल्ट का तगड़ा झटका दे चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने ऐसी बात बोल दी कि खुद वांग यी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश चीनी ड्रैगन का नकाब उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले की वीडियो में यह जानकारी दी थी कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 6 से 7 अगस्त को बांग्लादेश के दौरे पर आए थे। अब दरअसल दोस्तों, उनके बांग्लादेश आने का भी एक कारण था। दरअसल दोस्तों, चीनी ड्रैगन भारत के सभी पड़ोसी देशों की खबर रखता है, कौन सा देश किस हालत में है, कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, भारत के कौन से देश के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं, इन सब पर चीन काफी पैनी नजर रखता है। और दोस्तों, यही कारण है कि जहां भी चीन को लगता है कि इस देश को अपने अंदर लेकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी जा सकती है, वहां चीन अपना अड़ंगा डाल देता है। और दोस्तों, इसके आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल चीन का पालतू कुत्ता बन गया है। वहीं श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में आकर आज आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश भी इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और म्यांमार में तो मिलिट्री शासन है, जहां चाइना म्यांमार के मिलिट्री शासन के जनरल को फुल सपोर्ट कर रहा है, ताकि म्यांमार में निवेश करके वे भारत के कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट पर नजर रख सके। लेकिन दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ी बात थी वो यह थी कि अब पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश भी अब आर्थिक तंगी का सामना करने लगा है। और पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश ने अपने इम्पोर्ट को काफी कम कर दिया था, जिसके बाद यह खबर आने लगी कि अब बांग्लादेश के पास कुल 30 से 40 बिलियन डॉलर का ही फॉरेन रिजर्व बचा है, और इसलिए बांग्लादेश ने अपने यहाँ तेल के दाम काफी बढ़ा दिए थे। अब दोस्तों, चीन की तो बांग्लादेश पर नजर थी। जैसे ही ताइवान का मामला थोड़ा शांत हुआ, चीनी ड्रैगन ने सीधा अपने विदेश मंत्री वांग यी को बांग्लादेश दौरे पर भेजा, क्योंकि दोस्तों चीन के तो आंखों में नई चमक आ गई थी, क्योंकि चीन को यह सबसे बेहतर मौका मिल गया था कि अब बांग्लादेश को इतना सारा कर्ज देते हैं कि वे चुका भी नहीं पाए, और अंत में श्रीलंका की तरह बांग्लादेश का कोई द्वीप लीज के रूप में ले लेंगे और भारत के हर कदम पर नजर रखेंगे। अब दोस्तों, इस दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री और उन्होंने बांग्लादेश के साथ कुछ बातचीत करी और कई समझौते बांग्लादेश के सामने रख दिए कि हम आपके साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री वैज्ञानिक खोज करेंगे और चीन आपको आपकी आर्थिक तंगी में कुछ लोन भी देगा, ताकि बांग्लादेश इस आर्थिक तंगी से निकल सके। अब दोस्तों, इस छोटी आंख वाले चीन के विदेश मंत्री को क्या पता था कि इन सब प्लान के पीछे किसका हाथ है, किस वजह से चीन का विदेश मंत्री वांग यी बांग्लादेश दौरे पर आया है। अब दोस्तों, जैसे ही चीन के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के साथ सारे समझौते और कर्ज को लेकर अपना प्रस्ताव दिया, तो चीन को चेक करने के लिए बांग्लादेश ने भी चाइना के सामने रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा उठाया, क्योंकि चीन की हुकूमत म्यांमार में चलती है। चीन के तो म्यांमार में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश ने चीन के सामने रोहिंग्या शरणार्थियों के वापस भेजने की बात कही, तो चीन का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और चीन के विदेश मंत्री ने ऊपर ऊपर से दिखाते हुए कहा कि हम देखेंगे। हालांकि दोस्तों, जानता तो बांग्लादेश भी था कि चीन कुछ नहीं करेगा, लेकिन बांग्लादेश बस चाइना को चेक करना चाहता था। अब दोस्तों, इसके बाद सारी बातचीत हुई और वांग यी जब वापस निकल रहे थे, तब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने चीन का चिट्ठा पूरा खोल के रख दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चीन से कोई भी कर्ज अब नहीं ले
ले रहा है और न ही हम लेंगे। और दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चाइना से कर्ज लेने से पहले सभी देशों को विशेषकर विकासशील देशों को हजार बार सोचना चाहिए। अब दोस्तों अपने दौरे के बीच ही बांग्लादेश से जाते वक्त चीन के विदेश मंत्री वांग यी को ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद अब अपने बाल नोच रहे हैं कि कैसे एक छोटे से देश ने चीन को उसके सामने ही नंगा कर दिया। दरअसल दोस्तों यहां पर एक बात तो है कि पाकिस्तान और श्रीलंका से कई गुना ज्यादा समझदार बांग्लादेश निकला। और दोस्तों यह भी कह सकते हैं कि भारत जो पूरी दुनिया को संदेश देता रहता है कि चीन से कर्ज जाल से बचकर रहे, अब वही बात बांग्लादेश ने गुनगुनाई है। लेकिन दोस्तों आखिर यह सारा प्लान था किसका? तो दोस्तों यह सारा प्लान भारत का था। दरअसल दोस्तों बात यह थी कि भारत ने पहले भी जब कभी प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मीटिंग होती थी या NSA चीफ लेवल की मीटिंग होती थी, तब भारत ने कई बार बांग्लादेश में चीन के चल रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी दी और कहा कि इससे भारत की आर्थिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा है। जिस तरह चीन की कंपनियां बांग्लादेश के अंदर भारत की सीमा के नजदीक काम कर रही है, अब दोस्तों यह बात बांग्लादेश भी जानता है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और इसीलिए बांग्लादेश भारत के हितों को समझता है। और इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका का उदाहरण भी वह देख ही चुका था। अब दोस्तों बांग्लादेश को इंतजार था चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आने का ताकि उसे बेइज्जत किया जा सके। और दोस्तों भारत भी यह जानता था कि चीन जल्द ही बांग्लादेश में अपने किसी मंत्री को भेजने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही चीन के विदेश मंत्री आए और प्रस्ताव रखा, बांग्लादेश ने साफ मना कर दिया क्योंकि चीन ने अभी तक खुद बांग्लादेश से तकरीबन $4 बिलियन का लोन ले चुका है जो उसको अब भारी पड़ रहा है। और अब बांग्लादेश ने चीन से कर्ज लेने को लेकर सभी देशों को हिदायत दे दी कि चीन द्वारा लोन लेने से पहले हजार बार सोचे। अब दोस्तों देखा जाए तो बांग्लादेश की इस समय काफी खस्ता हालत बनी हुई है। बांग्लादेश इस समय एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IMF समेत कई बैंकों से अपील कर चुका है कि वह सब उसे $4 से $5 बिलियन का कर्ज दे दे। अब दोस्तों इतनी खस्ता हालत के बाद भी बांग्लादेश चीन से टक्कर ले रहा है। और दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब उइगर मुसलमानों को चीन में काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, तब OIC और पाकिस्तान तो मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाते थे। तब बांग्लादेश ने कई बार चीन के खिलाफ बोला था और बांग्लादेश के लोगों ने भी सड़कों पर शी जिनपिंग के उइगर मुसलमानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए थे। लेकिन दोस्तों यहां सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इतना सब कैसे कर लेता है। तो दोस्तों साफ बात है, जब आपके पीछे बैकअप तगड़ा हो तो आपको किसी से डरना नहीं पड़ता और बांग्लादेश का बैकअप भारत है। चाहे चीन के कर्ज को लेकर बांग्लादेश का बयान हो, चाहे कोई भी दिक्कत, भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है और इसीलिए बांग्लादेश ने कई बार भारत का भी OIC में समर्थन किया है। हालांकि दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।